कक्षा तृतीय विषय संस्कृत प्रथम है पाठ है प्रथम पाठ संस्कृत विषय का पहला पाठ है। हम सब भैया बहन ध्यान से सुनना, आराम से देखना वीडियो को, और फिर इसके प्रश्न उत्तर आप बाद में करवाऊंगा मैं। पहले मैं कुछ शब्दार्थ है जो आप साथ में ध्यान रखना। एक शिक्षक है अपने बच्चों को किस प्रकार से संवाद करता है, उस संवाद का वीडियो है। शिक्षक कहता है अपने विद्यार्थी से, शिक्षक बोल रहा है, भो रमेश भवान, भो का मतलब अरे, रमेश किसी भैया का नाम है, भवान का मतलब आप। मैंने एक शब्द लिखा है भवान, भवान शब्द है, आप शब्द पुलिंग के लिए, पुलिंग का मतलब किसी भैया का नाम है, भवान कहा है इसका मतलब किसी भैया का नाम लिया है आचार्य जी ने, तो भैया कहा है। आचार्य जी कह रहे हैं अरे रमेश आप, उत्तिष्ठतु का मतलब होता है उठिए, पुस्तकम स्वीकरोतु पुस्तक लीजिए। आचार्य जी कह रहे हैं भो रमेश भवान उत्तिष्ठतु पुस्तकम स्वीकरोतु, अरे रमेश आप उठिए और पुस्तक लीजिए। इदानीम पठतु, इदानीम का मतलब होता है इस समय, पठतु का मतलब पढ़िए। रमेश, रमेश उठता है, किम पठानी श्रीमन, किम का मतलब क्या, पठानी का मतलब पढूं, श्रीमान का मतलब श्रीमान जी, क्या पढूं श्रीमान जी। शिक्षक कहता है कथाम पठतु, कथाम का मतलब कथा, पठतु का मतलब पढ़िए, कथा का मतलब कहानी पढ़िए। कृष्ण, भवान कथाम लिखतु, शिक्षक कृष्ण से कहता है, कृष्ण कोई भैया है, मैंने आपको कहा था ना भैया के लिए भवान शब्द आया है, तो आचार्य जी कृष्ण भैया से कह रहे हैं भवान कथाम लिखतु, कृष्ण से कह रहे हैं आप कथा लिखिए। विवेक, भवान कथाम सुनोतु, विवेक से कह रहे हैं विवेक आप कहानी, सुनोतु का मतलब होता है सुनिए। भवंत उत्तिष्ठतु, अब एक देखिए भवंत शब्द आया है, भवंत शब्द का मतलब है ये भवंत शब्द है, ये शब्द आप सब पुलिंग के लिए है, भवंत का मतलब आप सब पुलिंग, कोई सारे भैया है उनके लिए। भवंत उत्तिष्ठन्तु, उत्तिष्ठन्तु का मतलब उठिए, बहुत सारे भैया है इसलिए उत्तिष्ठन्तु शब्द आया है। भवंत कथां पठतु, भवंत मतलब आप सब, कथां का मतलब कहानियां, पठन्तु मतलब पढ़े, पठन्तु पहले आया था पठतु, अब आया पठन्तु, बहुत सारे भैया है इसलिए पठन्तु शब्द आया है, आप सब कहानी पढ़े। भवंतु कथां लिखन्तु, आप सब कथा लिखिए। भवंत कथां श्रुणुतु, आप सब कथा सुनिए। शिक्षिका, अब शिक्षिका का मतलब हो गया अध्यापिका, आचार्य दीदी आ गए। भो राधे, अरे राधा, राधे का मतलब हो गया राधा के लिए, भो का मतलब अरे, राधे का मतलब राधा। भवती, भवती मतलब आप, देखिए मैंने एक शब्द लिखा है भवती, आप है स्त्रीलिंग बहन के लिए, भवान भैया के लिए था आप, भवती स्त्रीलिंग के लिए आप है। शिक्षिका कहती है अरे राधे आप अत्र आगच्छतु, अत्र का मतलब यहाँ, आगच्छतु का मतलब आओ। सुधाखंडम स्वीकरोतु, सुधाखंडम का मतलब होता है चौंक, स्वीकरोतु का मतलब लीजिए लेना। इदानीम लिखतु, इदानीम का मतलब होता है इस समय, लिखतु का मतलब होता है लिखिए। अध्यापिका राधे से कहती है राधा आप इधर आओ और सुधाखंड ले लीजिए और लिखिए। फिर राधा कहती है अहम किम लिखानी मान्य, अहम का मतलब मैं, किम का मतलब क्या, लिखानी का मतलब लिखूं, मान्य मतलब श्रीमती जी, दीदी से बात कर रही है ना इसलिए वो मान्य मतलब श्रीमती जी के लिए, दीदी के लिए। शिक्षिका दीदी कहती है उनसे गीतम लिखतु, गीतम का मतलब गीत, लिखतु का मतलब लिखिए। फिर दूसरे से कहती है सुबह भवती गीतम पठतु, सुबह का मतलब होता है सुबह, किसी बहन का नाम है, भवती मतलब आप, गीतम का मतलब गीत, पठतु मतलब पढ़ो। नलिनी भवती गीतम गायतु, नलिनी किसी बहन का नाम है, भवती का मतलब आप, गीतम का मतलब गीत, गायतु का मतलब गाओ। शालिनी भवती गीतम श्रुणोति, शालिनी आप गीत सुनाओ, शालिनी से कहते हैं आप गीत सुनाइए। भवत्य गीतम लिखतु,
भवत्य शब्द देखिए मैंने आपको, या भवंत्य भैयाओं के लिए था, ये भवत्य शब्द आप सब बहनों के लिए, यानी भवत्य आप सब स्त्रीलिंग के लिए। भवत्य गीतम लिखतु, आप सब गीत लिखो, भवत्य का मतलब आप सब, गीतम का मतलब गीत, लिखंतु का मतलब लिखो, लिखतु होता एक के लिए, लिखंतु शब्द है इसलिए बहुत सारी बहनों के लिए आया है। भवत्य गीतम पठंतु, आप सब गीत पढ़ें। भवत्य गीतम सुनोतु, आप सब गीत सुनो। आज इस पाठ में हमने सर्वप्रथम में दो चीज पढ़ी थी, आप भगवान मतलब आप पुलिंग के लिए, भवत्य मतलब आप स्त्रीलिंग के लिए, भवंत्य मतलब आप सब पुलिंग बहनों के लिए, भवंत्य मतलब आप सब स्त्रीलिंग बहनों के लिए।